प्रेजेंट्स सीधी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात और आज हमारे खास मेहमान हैं लालू प्रसाद यादव। बहुत वक्त के बाद आप सीधी बात पर लौटे हैं, शुक्रिया लालू जी आपका। सेहत कैसी है आपकी? ठीक है, बहुत अच्छा। देश की सेहत कैसी है मोदी के राज का? सेहत ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? इसलिए ठीक नहीं है कि जो था वो पलट गए, वो होना नहीं था। और लोगों को काला धन लाएंगे, एक महीना में 15-15 लाख प्रत्येक भारतीय के खाता में जमा कर देंगे, देश का कर्जा उतार देंगे, इतना पैसा है। पर सड़क पे चलो, लोग बोलेंगे पिछली सरकार से तो बेहतरी कर। कौन सा काम बेहतरी कर रहा है, हमको जानना चाहते हैं। पिछली सरकार से भारत निर्माण, जो हम लोग अमेंट 1-2 EPU में थे, उसी सरकार का लिया हुआ देश के, चाहे मनरेगा हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, या हॉस्पिटल NRHM हो, या जो भी प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, सारा कार्यक्रम उसी सरकार का है। इस सरकार का तो दिशा ही नहीं है कोई। सर, मोदी के राज में लगता है कि जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां, वो डर गई हैं। पहले सब आपस में अलग अलग लड़ते थे, अब इतना डर गए मोदी से कि जुड़ गए। देखिए, कोई डरता नहीं मोदी से। मोदी से डर जाए, सवाल वो नहीं है। देश में हम राजनीति करने वाले लोग, अलग अलग पार्टियों में बैठ के काम करने वाले लोग, ये इनको एक ऐसा अफवाह का हवा फैलाया, स्कैम, घपला, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, हमको बैठाओ, हम आएंगे तो 24 घंटा बिजली देंगे, हम आएंगे तो गंगा की सफाई करेंगे, हमको बैठाओगे तो 26.5 लाख करोड़ देश का पैसा बाहर जमा है बैंकों में लाके, और प्रत्येक भारतीय के खाता में 15-15 लाख रुपया। पर SIT तो बनाई और साथ के साथ G20 में गए और डंके की चोट पर ब्लैक मनी पर बोला। SIT का क्या मतलब है? भाषण करना, डंका के चोट पर बोलना, उसका आउटपुट क्या हुआ? सर, 6 महीना हुआ है, वक्त तो दीजिए। 6 महीना क्या हुआ? आप कंफ्यूज हैं, आप कह रहे हैं कि हमको मालूम नहीं है कि कितना पैसा, 100 करोड़ है कि 200 करोड़ है, 1 रुपया है कि 2 रुपया है। हम लाएंगे जरूर, हम कोशिश करेंगे जरूर, लेकिन आप किस आधार पर कहा था? देश के लोगों को भ्रम में डाला, नौजवानों को कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल काम देंगे, अब चले गए कि हुनर, फिर आप चले गए बैक टू पेवेलियन, चले गए लोगों को नक्शा बता रहे हैं हम दूसरा। तो 2 करोड़ नौजवानों को कहा था आपने कि हम नौकरी, बात तो सुनिए। आपको वक्त का मतलब, आपको आपका योजना क्या है, स्कीम क्या है? आपको 5 साल तो है ही, 5 साल में शुरू में मॉर्निंग शो द डेज, सुबह बताता है कि आपका ये संध्या दिन आज कैसा हमारा होगा। तो 2 करोड़ नौजवानों के मामले में तो दिया तो नहीं, उल्टे परिपत्र निकल गया कि अगले 1 साल तक कोई नियुक्ति नहीं होगी। पर सर, अगर और मेक इन इंडिया, बाहर के लोग आओ, हब बनाना चाहते, कंज्यूमर मार्केट भारत तो है ही, और दुनिया का बाजार बनाना चाहते, और ऊंची ऊंची भाषणों से और देश नहीं चलता, बाहर में रह के गाली देना सरकार को, और सरकार में बैठने के बाद आपको कौन रोके हुए है? महंगाई उसी तरह से बढ़ रही है, कम हो गई सर। कैसे? डीजल और पेट्रोल का, पेट्रोल डीजल की बात सुनो ना राहुल, बात सुनो, यही बात हम लोग बताते थे कि ये तेल और डीजल गैस हमारे हाथ में नहीं है, जितना हमको जरूरत है भारत में हम पैदा नहीं करते हैं, तो डॉलर दे करके हम लेते हैं, और इसका निर्धारण मार्केट दुनिया से होता है। इतना अब दुनिया में डाउन हो गया है पेट्रोल और डीजल का दाम, स्वाभाविक है गिरना। तब बोल रहे हम कम कर दिया, कम किया कि नहीं, अरे कल बढ़ेगा फिर चढ़ जाएगा। अच्छा, अगर मोदी सरकार इतना खराब काम कर रही है तो आपको तो लगना चाहिए कि 5 साल के बाद आप लोगों की सरकार बन जाएगी। आप इतने डरे क्यों हो कि सारे के सारे ना, जो पहले दुश्मन थे, नहीं। अब हाथ मिला रहे। हम जो लोग थे, कोई डरा नहीं है। हम वोट का डिवीजन, सामाजिक न्याय, सेकुलर वोटों का डिवीजन हुआ, पूरी तरह से ब्रूटली बटे हैं हम लोग, और इसका खमियाजा सबको भोगना पड़ा, देश भोग रहा है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं, इसलिए हम अपने अलग अलग ईगो के प्रॉब्लम में हम लड़ते थे, हम वोट हमारा बट गया,
1,08,00,000 वोट तो हमको मिला, नीतीश को 19% मिला, 29% हमको मिला बिहार में, दोनों वोट को जोड़ दीजिए बीजेपी का कहीं ऐसा पता नहीं है। अगर फर्ज कीजिए जो नई पार्टी बनी है, जो आपका अलायंस है, वो कामयाब हो गया बिहार में, तो बिहार में क्या आपकी पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा या फिर जेडीयू का चीफ मिनिस्टर? फिर वही मैं बता रहा हूँ कि कौन मुख्यमंत्री होगा नहीं होगा ये सवाल नहीं हमारे सामने कि जेडीयू, हम एक पार्टी में होने जा रहे हैं, जदयू का हमारे पार्टी का कहाँ सवाल आता है? हमारे सामने प्रायोरिटी मुख्यमंत्री का नहीं है, हमारा है कि बिहार से हम इस सरकार को इनका खटिया खड़ा करेंगे। पार्टी का नेता तो एक होता ना, आप हुए नेता कि नीतीश जी हुए नेता, पार्टी का तो कोई एक नेता होता ना बिहार में, पार्टी का नेता वो तो मुलायम सिंह को हम लोगों ने अधिकृत कर दिया है, वो तो नेशनली, लेकिन बिहार में नहीं है, वो 1969 में आता है बिहार, और उसमें हम लोग वो बैठ करके हम लोग तय करेंगे। हमको तो इनको हटाना है, इनकी नीतियाँ इनको हम लोग जानते हैं, हर हाथ को काम हर खेत को पानी। सर पर आपके मैं पुराने बयान और अभी 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 आप देखोगे तो अमेरिकन एजेंसी का रिपोर्ट आया है कि भारत दुनिया में इंडस्ट्री के लिए कहाँ कहाँ का वातावरण ठीक है, 140वां नंबर पर हमारा। सर किस किस तरह के बयान आपने नीतीश के खिलाफ दिए? अरे नीतीश ने दिया, आपके खिलाफ दिए, वो दिया, वो भी दिया, वो भी हमारे खिलाफ दिया, तो इसको लेके झाल नहीं ना पिटते रहेंगे। इनको हम मांगे, एक देश को तोड़ना चाहता है ये लोग। क्या किया है अब तक जिसको देख के आपको लगता है कि देश को तोड़ना चाहता है? मोदी जी ने खुद, पीएम ने खुद, अरे मोदी मोदी प्राइम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट मिनिस्टर ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब बोलवा रहे हैं लोग, चूंकि फिर डांट पड़ी उनको जिसने उल्टा बोला उसको डांट। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, वो दिखाने के लिए डांट पड़ी है, कोई ये साधु बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, बोलते थे का है कि राम जादो का है, कोई बोलता मंदिर में राम नायक गवर्नर सुना है कि राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, पर मोदी जी कहते दूसरे क्या बोलते हैं उस पे मत जाओ। मोदी क्या, मोदी मैं हूँ देश का पीएम, मेरी जिम्मेदारी है, इनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद करें। मोदी मोदी कैसे निर्दोष है? मोदी ये प्राइम मिनिस्टर का भाषा है, आसाम में जाके क्या बोला अभी मोदी जी ने कि बांग्लादेश ने बर्बाद किया है हमारे, बांग्लादेश ने आसामियों को बर्बाद किया, रास्ता बंद कर लेंगे हम। अरे आप एक्ट करो, लोकेट करो, पहले भी हम लोग करते थे सरकार में करते थे कि अगर कोई बांग्लादेशी है उसको पहचान करके उस सरकार को हैंडओवर करो। ये तो नॉर्थ ईस्ट को आप मैसेज दे रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, ट्राइबल को और वहाँ के लोगों को एंटी मुस्लिम, ताकि गर्म हो, क्योंकि हमारा इनका एजेंडा सफल हो। पर जनता को ये लगेगा कि क्या लालू, अरे जनता को ये लगेगा, ऐसे ऐसे नेता जो पहले आपस में भिड़ चुके हैं, क्या मिलके कभी सरकार चला सकते हैं? अरे हम लोग मिलके सरकार चलाए हैं, टूट गया वो जनता दल का एक्सपीरियंस 1988 तो फेल हो गया। अरे बीजेपी का दिन का मेहमान है, अरे 5 साल का बहुमत है उनके पास, नहीं अभी ना है। इनको मिल गया प्रलोभन में दे करके कि हम काला धन लाएंगे, महंगाई रोकेंगे। सर आप पाकिस्तान गए, खूब वहां लोकप्रियता थी आपकी, मोदी जब सिडनी जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, आपने देखा कैसी भीड़ लगती है? अरे कौन लोग है वहाँ के? अंग्रेज लोग है क्या? हिंदुस्तानी लोग। हम पाकिस्तान गए तो वहाँ के मुसलमान थे, पाकिस्तान के हिंदुस्तानी, ये गुजरात वाले लोग, ये NRI बिजनेस करने वाले लोग, मोदी मोदी मोदी, मीडिया बोल रहा डंका बज रहा है, मीडिया के लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि ओबामा ललाई थे, इंतजार कर रहे हैं मोदी जी का दर्शन करने के लिए। बड़ा भारी माने भगवान निकल के जा रहे हैं भाई, यही मोदी जिनको वीजा नहीं मिला था। तो इसलिए ये 14 में हमने कहा था कि 14 के जब चुनाव को ठीक से लड़िए आप लोग, ये लोग देश को तोड़ देगा, और तोड़ने जा रहा हैट्रेट है तुम्हारे अंदर, नफरत है, हिंदू का नाम इसलिए ले रहे हो, हम लोग हिंदू नहीं हो क्या? विकास कर देंगे, लोग को ठगा, जिस राज्य में जाते हरियाणा गए, हमको बहुमत दे दो, 1 नंबर का भारत में हरियाणा का राज बना देंगे, 1 नंबर का स्टेट, लोग दे दिया, अरे बोलता लगता बना देगा, वोट मिल गया। महाराष्ट्र में गए बोले कि 1 नंबर का देश का हम राज बनाएंगे,
लोग क्यों विश्वास कर रहे हैं, मोदी पर विश्वास क्यों कर रहे हैं और बाकी नेताओं से विश्वास क्यों टूट गया? विश्वास किया कि समझता है कि आदमी जो झूठ का प्रचार किया गुजरात के मामले में, तो दूर में रह करके जो सुना कान से वो आदमी अफवाह, ये गणेश जी को दूध पिलाने वाला पार्टी वाला गाँव 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 में सब पहला, यहाँ वहाँ ये हो गया, वो हो गया, ये बिजली है, ये रोजगार है, वो काम है, झांसा में लोग आ गए। तो इतने आपको लगता है झांसा में, इतना बड़ा होशियार देश है हमारा, इतने लोग हैं, आपको लगता है वोटर इतने नहीं, 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 बिल्कुल बिल्कुल होशियार लोग हैं जो इस देश में, चंद होशियार लोग हैं अभिजात वर्ग के लोग जो तथाकथित बुद्धिजीवी अपने को बताते हैं, क्लेम करते हैं, इन लोगों ने देश के गरीबों को, मिडिल क्लास, निम्न मिडिल क्लास को अपने अपने ढंग से मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह, तो गरीब जनता बेवकूफ है, उसको मालूम ही नहीं, उसकी अपनी बुद्धि नहीं है, बुद्धि है फिर? वो देखा कि अच्छा आदमी चेहरा लगता है, भाई ये बोल रहा है ठीक है बात होगा, ये साहब है बोल रहा है, उसमें बेचारे इनोसेंट फंस गए। और महाराष्ट्र में गए कि एक नंबर का बनाएंगे, तो गुजरात कितने नंबर पर जाएगा? सर स्पर्धा होगी, स्पर्धा राज्यों में, अच्छी बात नहीं है ये, विकास को लेकर स्पर्धा है, ये क्या स्पर्धा, पर आगे दिखाओ ना हरियाणा में। आप देख रहे हैं सीधी बात, लालू यादव हमारे साथ हैं। आपने कहा कि वोट का विभाजन नहीं होना चाहिए विपक्ष के वोट का, और सबको मिलने की जरूरत है। आप और नीतीश ने तो हाथ मिला लिया, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी अब इसी तरीके से मायावती और मुलायम को हाथ मिलाना चाहिए? हमारा जो है माननीय मुलायम सिंह यादव को हम लोगों ने पुराना जनता दल परिवार हम लोगों ने अधिकृत किया, ये जो कॉम्पिटेंट उनको ऑथराइज किया, बात करेंगे हम लोग पहले सब मायावती से ही बात करेंगे, अब जरूर हम बात करेंगे, हम भी बात करेंगे। आपकी हुई अब तक बात? नहीं नहीं अभी बात हो गई, मायावती जी के और मुलायम सिंह जी के मामले में भी हम लोगों ने अपील किया कि भाई इकट्ठा होइए, मायावती तो आना ही नहीं चाहते, नहीं आता, जनता आएगी, जो नेता नहीं आएगा समय कंपेल कर देगा। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, मायावती नहीं आएगी तो जनता उनको कंपेल करके बोलेगा कि नहीं आप लोग इकट्ठा हो। आप कह रहे हैं लालू जी सीधी बात के मन से कि आपके हिसाब से 2017 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जनता मजबूर करेगी मायावती और मुलायम को हाथ मिलाने के लिए? नहीं, मुलायम सिंह पे तो कहीं दोष नहीं है, ये वो मायावती जी को मानना पड़ेगा, मायावती जी को खमियाजा भोगना पड़ा है इस चुनाव में। क्यों मानेगी वो? क्यों मानेगी वो? किसको क्या माने? क्यों माने वो? क्यों उनको लगता है कि भ्रष्ट सरकार है, अच्छी सरकार नहीं है, कहेगा भ्रष्ट सरकार? आपको लगता है अकेले नहीं जीत पाएंगी वो? अच्छी सरकार है, इसलिए कि यादव कम्युनिटी में पैदा लिया अखिलेश, इसलिए लोग आसानी से बोल देता भ्रष्ट सरकार है, अच्छी सरकार है। और जिस ढंग से कलकत्ता में ममता दीदी को टारगेट किया जा रहा है, उनको फंसाने का काम किया जा रहा है, और कलकत्ता जो है पश्चिम बंगाल कम्युनल राइट्स के मामले में अतीत बड़ा खतरनाक रहा है, ये आरएसएस वहां घुसना चाहता है, बीजेपी वहां घुसना चाहता है और वहां पर दिया है, इसलिए जिम्मेवारी ममता जी का और लेफ्ट का भी बढ़ा है। आपको लगता है लेफ्ट और ममता बनर्जी हाथ मिला सकते हैं? क्यों, उस समय ममता जी ने तो कहा, जो विपक्ष में होता है उसको लगता है मैं क्यों हाथ मिलाऊं? सरकार डिस्क्रेडिट हो गई, सरकार गैर लोकप्रिय है, सरकार को मतलब मजबूर मतलब ये कर रहे हैं लोग, सब फंसाना चाहता है वहां पर, चाहे बीजू बाबू के लड़के हो, हमारे ही परिवार का है ना वो तो आपसे बात ही नहीं कर रहा, बीजू पटनायक जी हमारे परिवार के, वो तो मजे में अपने आप अपने दम पे जीत रहे, मोदी की हवा उसी ने फेल की, अरे जो भी अच्छा है ना, ममता जी ने फेल की, उन्होंने की, जयललिता जी ने की, तो ये सारे लोगों को जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर कैसे लोग आता आएंगे आपके हिसाब से? नवीन पटनायक से बात करेंगे ना हम लोग सब लोग से? जनता का एक बड़ा तबका ऐसे वोटरों का है इस वक्त जिसको लगता है कि लालू मुलायम ये कास्ट की बात करते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जनता और देश आगे निकल गया। देखो ना, 1,08,00,000 वोट हमको मिला, ठाकुर लोग हैं जो राजपूत भाई लोग हैं, जो मजबूत कौम लोग हैं, इनके बीच में एक आरएसएस ने प्रचार किया कि नरेंद्र मोदी नहीं बनने जा रहे हैं किसी कीमत पर, राजनाथ बाबू बनेगा, सब आप लोग वोट दे दो, वोट में फंस गए, कमल छाप को वोट दे दिए, तो पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मोदी बनेंगे पीएम ना, उसको लोगों को भड़काया ना जाकर के कानो कान। पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपके जवाब देने नहीं, आप बात करते हैं कास्ट पॉलिटिक्स की या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, कहां कास्ट की बात आ रही है बताओ, कास्ट आप बार बार यादव की बात करते हैं,
लेकिन मोदी कहते हैं हम सबकी बात कर रहे हैं, ग्रोथ की, सबकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अब बोल रहे कि राम जादव का होगा, ये सबकी बात है? मोदी ने नहीं बोला है, और कौन बोला? ये और कौन बोला? आपके हिसाब से मोदी की जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल जिम्मेदारी का है, वो इंस्ट्रूमेंटल वही है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को सात चूहा खा के बिलाई चली हज करने, और आप बोलते क्यों नहीं बोलते हैं? साधु हो गए हैं। ये जो अध्यक्ष उनका अमित शाह, ये सारा खड़े लोग का है, ये देश को तोड़ना चाहता है। चुनावी जादूगर की छवि बन रही है? कोई जादूगर नहीं है, झूठ और फरेब। फिर जनता तो आपके हिसाब से बड़ी मूर्ख है, गुमराह हो जाती है जनता, के मूर्ख कैसे है जनता? तो आप ही तो कह रहे हैं, सफेद पोष लोग जो है इनके हाथों में लिखनी है, टीवी है, मीडिया है, लैपटॉप है, सोशल मीडिया है, ये दिखा के लोगों को छलावा में डाला, लोग फंस गए, अब अलर्ट हो गए। अब तो मैं देख रहा हूँ कि मोदी की नकल आप भी कर रहे हैं, ट्विटर पे आ गए हैं लालू जी। तो हम उनका मुकाबला करेंगे ना, ना तो हमको बोलेगा तो बहुत आगे हैं वो आपसे। नई पीढ़ी के है, उनके करोड़ों फॉलोअर हैं, करोड़ों नहीं करोड़ों खरबों रुपया उनके लोग के पास है। अब देखा वहाँ स्वीकार किया सब अमेरिका में कि हम लोग गए थे चुनाव में, मोदी मोदी जो कर रहा था वो सब यहाँ थे। तो सर अपनी मर्जी से अपना पैसा खर्च करके आए? अरे मर्जी से, ये तो लोकप्रियता झलक था। मर्जी से कौन लाया था उनको? सर अपनी मर्जी से आए वो लोग? कोई मर्जी से नहीं आया, लोग समझ गए कि हम ठगा गए। अब तो 5 साल इंतजार करना होगा, हम लोग लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। चलिए जनता को तय करना है कि कौन किसको ठग रहा है। लालू जी आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सारी जनता जानती है कि कौन ठग है। तो ये थी लालू यादव से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/seedhibaat। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।